दे पाओगे। जिस दिन इस देश का नौजवान सशक्त हो गया, शिक्षित हो गया, रोजगार मिल गया उसे, आत्मनिर्भर हो गया, तब तक धर्म और जाति की राजनीति इस देश में फूलेगी फैलेगी। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप सवाल उठाना शुरू करोगे, आप कहोगे कि विकास का काम क्यों नहीं किया, आप पूछोगे कि बड़े बड़े भाजपा के नेता आप लोग यहाँ की घोषणा करते हो, आप कह रहे हो कि लखपति बनाए आपने हजारों उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही, हम बिजली के बिल क्यों भर रहे हैं जब बड़े बड़े बिल क्यों भर रहे हैं जब बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत की सुविधा क्यों नहीं है, पाठशालाएं क्यों नहीं बनाई आपने, नहीं क्या किया है आपने, आप ये सवाल उठाएंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि आप आत्मनिर्भर हो, ये सरकार आपके खुद में टेकना चाहती है, ये सरकार आपकी कमर तोड़ना चाहती है, दिखा दिया है 5 सालों इन्होंने, कुछ नहीं करना चाहती आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा राशन थोड़ा सा पैसा देना चाहती है जीवन भर। क्या आपने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा इसलिए किया है? मैं गरीब से गरीब परिवार के घर में जाती हूँ, कमाई मुश्किल है, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी वो माँ वो पिता मुझे क्या कहते हैं कि दीदी हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सब कहते हैं हमने मेहनत की अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, ताकि हमारे बच्चे कमा पाए, ताकि हमें उनको गर्व हो। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इतनी मेहनत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसलिए की है कि वो एक घर में राशन हुई या उसका पेपर लीक नहीं हुआ या उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, तब भी उसका रिजल्ट आपको साल डेढ़ साल बाद मिलना है, और उसके रिजल्ट मिलने पर भी आपकी नियुक्ति सालों के लिए नहीं हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब एक कैलेंडर बनेगा और हम एक कानून लाएंगे कि इस कैलेंडर में किसी ने फेर बदल करने की कोशिश की या दखल देने की कोशिश की तो उसका भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए ये सरकार होती है जो आपकी भलाई के लिए आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करती है। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, एक ऐसी राजनीति को उभारना चाहते हैं जो अमेठी के लोगों ने दशकों पहले देखी। आपने देखा कि जब राजनीति जब नेता समझता है कि आपके प्रति क्या जिम्मेदारी है उसकी, तो क्या नहीं करता है जनता की। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक ऐसी राजनीति उभरे जिसमें हर नेता समझे कि उसकी जिम्मेदारी है आपके प्रति, कि आपको निर्भर करना नहीं, आपको आत्मनिर्भर करना उसका काम है, कि आपसे वोट मांगना नहीं लेकिन आपके लिए काम करना उसका काम है, आपके भविष्य को मजबूत करना उसका काम है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना उसका काम है। तो ऐसे ही नेता विजय पासी जी हैं, आप सबने इनके लिए बहुत तालियां बजाई, बहुत उत्साह दिखाया, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब जब संकट आया विजय पासी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके संघर्ष में शामिल हुए। आप जानते हैं कि जब जब आप पीड़ा में थे आपको दुख हुआ तो विजय पासी जी आपके पास आए, आपकी पीड़ा को सुना और उन्होंने आपकी मदद करने की कोशिश की। छोटे बिजनेस वाले जो यहाँ जगदीशपुर में तमाम है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, छोटा अपना बिजनेस शुरू कर लिया, इससे बहुत रोजगार बनता है, इनको भी आपने खत्म कर डाला, नोटबंदी की, जीएसटी थोप दी, उसके बाद कोरोना में लॉकडाउन अचानक कर दिया, बेचारे छोटे दुकानदार छोटे बिजनेस वाले बिजली के बिल भरते रहे, कर्ज में डूब गए, कोई राहत नहीं आई सरकार से। तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे, सरकारी पद जो खाली है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी और जो छोटे दुकानदार छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट है, उनको तकरीबन आपने सारों को खत्म कर दिया। तो ये हुई रोजगार की कहानी कि जो काम करना था आपके लिए,
जिस तरह से रोजगार बनाए जा सकते थे उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों की बात करिए, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता।